जेनेटिक्स होती है स्टडी ऑफ जीन्स एंड हेरिडिटी। हमारी जो बॉडी के अंदर जीन्स प्रेजेंट होते हैं उनकी स्टडी को हम जेनेटिक्स बोलते हैं। और जो हमारी ऑफस्प्रिंग्स, हमारे पुराने जो पीढ़ियां होती हैं, उनसे कोई हमें कैरेक्टर मिलता है या उनसे कोई हमें आदत मिलती है कोई, उसको हम बोलते हैं हेरिडिटी। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं हेरिडिटी। ओके, इसके अंदर सबसे पहले अब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या होता है, जेनेटिक्स होता क्या है, इसके अंदर इसका स्ट्रक्चर आएगा, काफी सारे डेवलपमेंट कैसे होता है जेनेटिक्स का वो आएंगे, बेसिक टर्मिनोलॉजी, उसके बाद मेंडल्स के लॉ, ये सब आएगा। ठीक है, अब पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। कोई भी चीज हम पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए हम पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है, जेनेटिक्स होता क्या है, जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी। हमारे को कोई भी, अगर किसी भी तरह का ट्रेट, कोई भी तरह का कैरेक्टर हमें अगर हमारे ऑफस्प्रिंग से, हमारे पिछले जन्म के जो लोग होते हैं उनसे कोई भी हमें आदत कुछ भी मिलती है तो उसको हम बोलते हैं हेरिडिटी। इट्स एन एंशियंट डिसिप्लिन, एटलीस्ट 4,000 ईयर्स अगो इन सुमेरिया इजिप्ट एंड अदर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड। अब इसमें हम प्लांट्स को देख के चलेंगे, एनिमल्स और प्लांट्स के बेसिस पे चलेंगे। ठीक है, अब कुछ 4,000 साल पहले इजिप्ट में कुछ फार्मर्स ने ये देखा था कि उनको अपनी क्रॉप को, उनको अपनी फसल को इम्प्रूव करने के लिए एनिमल्स की सिलेक्टिव ब्रीडिंग करनी पड़ेगी। सिलेक्टिव ब्रीडिंग क्या होता है, सिलेक्टिव ब्रीडिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें वो एनिमल्स को अपने हिसाब से ही उनकी मेटिंग करवाते हैं, जिसकी वजह से उनका आगे जो बेबी होगा वो उनके हिसाब से ही ग्रो करेगा, जिससे उनको, फार्मर्स को फायदा हो। देयर नॉलेज वॉज बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस एंड दे रिकॉग्नाइज्ड दैट मेनी फीचर्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स वर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। अब सबने देखा होगा कि कोई भी फार्मर होता है, उसको अगर कोई अच्छा अपना फसल उगानी होती है तो वो पिछली बार उगाए हुए फसल के कुछ कुछ भी चीजें रख लेता है। जैसे अगर उसने गेहूं उगाई है तो गेहूं के कुछ पार्ट, वो कुछ बीज वो रख लेगा अगली बार के लिए कि अच्छे से उनकी फसल ग्रो हो सके। हाँ ओके, उसके बाद हम देखते हैं, फर्दर मोर दे वर अवेयर दैट डिजायरेबल ट्रेट सच एज साइज, स्पीड एंड वेट ऑफ एनिमल्स। अब हमने अगर सिलेक्टिव ब्रीडिंग करवाई है, अगर हमने एनिमल्स की अपने चॉइस से ब्रीडिंग करवाई है तो उनके साथ, एनिमल्स के साथ प्लांट्स की करवाई है अगर, तो उनका साइज, स्पीड, वेट ऑफ एनिमल्स को समटाइम्स भी कंबाइंड बाय कंट्रोलिंग। अब हमको, अगर हमारे पास मटर है, सपोज मटर है, मटर का दाना है, वो बहुत छोटा हमारे पास ग्रो हो रहा है, और हमारे जो पिछली वाली जो फसल थी उसका मटर का दाना बहुत अच्छा ग्रो हो रहा है, तो हम पिछले वाले दाने के कुछ बीज हम इस बार साथ में मिला के ग्रो करेंगे, जिसकी वजह से हमारी फसल की वैरायटी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। ओके, समझ आया? उसी तरह ही एनिमल्स में भी होता है। एनिमल्स की ब्रीडिंग हम इस तरीके से करा सकते हैं कि एनिमल्स का वेट, उनकी स्पीड, उनका साइज हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले क्या है, इन द फर्स्ट यूनिट वी बिगिन विद अ ब्रीफ आउटलाइन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स एंड देन वी कुड डिस्कस मेंडल्स लॉ। इसमें हम सबसे पहले जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम मेंडल्स के लॉ के बारे में पढ़ेंगे। मेंडल्स के कितने लॉ होते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तीन लॉ होते हैं मेंडल्स के। ओके, सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि हम इसमें यूनिट में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम सबसे पहले पढ़ेंगे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स और उनके लैंडमार्क्स जेनेटिक्स में कैसे आए, पुराने जो हमारे टाइम के पूर्वज थे वो जेनेटिक्स में आए कैसे। ठीक है, मेंडल्स के जो साइंस में उसने, जेनेटिक्स में उसने जो कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, मेंडल की भी तो कभी ना कभी एंट्री हुई होगी ना, तो वो किस तरीके से एंट्री हुई है। डिफाइन एंड यूज करेक्टली द टर्म जीन, अलील, लोकस, जीनोटाइप, फिनोटाइप, ये काफी सारी टर्म्स हैं, ये टर्म्स को हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मेंडल के ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स पढ़ेंगे, मेंडल के लॉ पढ़ेंगे हम सारे, और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले अब हम ये देखते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ जेनेटिक्स हुआ कैसे था, हिस्ट्री में जेनेटिक्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ था। एज सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ जेनेटिक्स बिगेन, आंसर्स वर सॉर्ट टू क्वेश्चन। सबसे पहले जब स्टडी होनी शुरू हुई थी कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आए थे। अब हर कोई ये सोचता होगा
हम अपने पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं, हम अपने पेरेंट्स के जैसे क्यों दिखते हैं, और एक ही ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जैसे हम डॉग्स देखते हैं, डॉग्स एक जैसे होते हैं, वो सारे एक जैसे कैसे दिखते हैं? ठीक है, द फर्स्ट जेनेटिसिस्ट वर द पर्सन हु ऑब्जर्व, जो सबसे पहले जेनेटिसिस्ट थे जिन्होंने जेनेटिक को स्टडी किया था, उन्होंने ये देखा था कि सिमिलर चीजें सिमिलर कैसे होती हैं, और उनके बाद उन्होंने अपने प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया। ठीक है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स लाइक डॉग्स कैट्स एंड कैटल्स वर स्टार्टेड व्हेन ह्यूमंस लर्न्ड हाउ टू कंट्रोल द मेटिंग्स। अब डॉग्स को कैट्स को भेड़ बकरी इन सबको लोगों ने पालना शुरू किया, इनकी मेटिंग को कंट्रोल कर सकते थे क्योंकि लोग अब डॉग्स हैं, अगर हमारे पास कोई ब्रीड डॉग है तो हम उस ब्रीड डॉग की मेटिंग ब्रीड डॉग के साथ ही कराएंगे, हम कोई और के साथ नहीं करा सकते, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम किसी और ब्रीड डॉग के साथ कराएंगे तो हमें डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेगा, जो हम चाहते हैं रिजल्ट वो नहीं मिलेगा। ठीक है, वंस एनिमल्स वर टेम्ड पीपल कुड ब्रीड मोर ऑफ दोज। जब एनिमल्स को लोग संभालना शुरू करने लगे, जब लोगों को पता लगना शुरू हुआ कि एनिमल्स को हम कैसे संभाल सकते हैं, तो लोगों ने एनिमल्स की ब्रीडिंग और ज्यादा शुरू कर दी, उनको और ज्यादा ब्रीड करवाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा यूज हुआ, बहुत ज्यादा उनको हेल्प हुई इस चीज में। ठीक है, उसी सेम तरीके से क्रॉप्स के साथ भी हुआ, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स रिक्वायर्ड दैट सीड्स ऑफ वन जनरेशन। अभी मैंने बताया था कि अगर हमारे पास इस जनरेशन का क्रॉप अच्छा नहीं हुआ है और पिछले जनरेशन का क्रॉप हमारे पास अच्छा हुआ था, तो फार्मर पहले से ही उस क्रॉप के सीड्स को बचा के रखता है अगली बार के लिए, हेल्दी प्लांट उगाने के लिए। ओके, क्लियर है सबको? यस मैम। ओके, नेक्स्ट, साइंटिस्ट स्टार्टेड सीकिंग आंसर्स टू द क्वेश्चन। एज अब साइंटिस्ट ने, अब हमारे मन में क्वेश्चंस आते हैं कि हम अपने पेरेंट्स की तरह कैसे दिखते हैं, हम उनसे अलग हैं बट फिर भी हम उनसे काफी तरीके से सिमिलर हैं, वो कैसे? तो साइंटिस्ट ने इस पे हमारे आंसर्स करने शुरू किए। इट वाज ओनली आफ्टर द वर्क ऑफ मेंडल वाज पब्लिश्ड इन 1860। ये सब लोग ध्यान रखना कि मेंडल ने जो फर्स्ट अपनी पब्लिश किया था वो कब किया था, 1860 में। ओके, मेंडल ने जो सबसे पहला वर्क किया था वो 1860 में किया था, और उसमें उसने ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दिए थे कि हम अपने पेरेंट्स के जैसे कैसे दिखते हैं, हमारे पेरेंट्स के साथ, हमारे बोलते हैं ना कि बच्चे का फेस पेरेंट्स के साथ मैच हो रहा है, ये फीचर्स पेरेंट्स के साथ मैच हो रहा है, तो वो कैसे होता है। ठीक है, अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट है बर्थ ऑफ जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स कैसे आई हमारे पूरी साइंस में, जेनेटिक्स का बर्थ कैसे हुआ? मॉडर्न जेनेटिक्स ओरिजिनेटेड विद ग्रीगर मेंडल, जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने जेनेटिक्स को इन्वेंट किया था, उनका नाम था ग्रीगर मेंडल। क्या नाम था उनका? ग्रीगर मेंडल। ठीक है, इन्होंने एक काम किया था, इनका जो वर्क था वो आगे अभी दिखाएंगे फिगर में, इनका जो वर्क था वो बेसिकली एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने प्लांट की हाइब्रिडाइजेशन पे, इन्होंने प्लांट को दूसरे प्लांट के साथ ब्रीड करवाया था। हाइब्रिडाइजेशन होता है दो अलग अलग प्लांट्स को मिक्स करके उनकी ब्रीडिंग करवाना, इन्होंने 1866 में किया था ये काम, प्लांट्स की ब्रीडिंग का, ये एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। ये सब याद रखने वाली चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये वाली। एक तो साइंटिस्ट का नाम, उन्होंने कौन से ईयर में क्या किया था और कौन सा एक्सपेरिमेंट उन्होंने परफॉर्म किया था। ठीक है, मेंडल कैरिड आउट डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशंस इन इनहेरिटेंस ऑफ गार्डन पी। उन्होंने सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट किया था वो मटर पे किया था, उन्होंने मटर के ऊपर सारा का सारा वर्क किया था, मटर के ऊपर ही उन्होंने पूरी अपनी एक्सपेरिमेंट की थी। ही परफॉर्म्ड प्लांट हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट एंड केप्ट एक्यूरेट पेडिग्री रिकॉर्ड ऑफ हिज रिजल्ट। उन्होंने एक एक चीज जो एक्सपेरिमेंट में की है वो आगे हम पढ़ेंगे, एक एक चीज जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट में की है वो एक्यूरेसी के साथ किया, और उनको रिजल्ट जो उनका आया था वो उन्होंने पूरा रिकॉर्ड करके रखा था। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं मेंडल प्रपोज, उन्होंने क्या किया, क्या था उन्होंने, मेंडल प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ हेरिडिटरी यूनिट्स। उन्होंने हेरिडिटरी यूनिट्स का कॉन्सेप्ट लाए थे, वो अकॉर्डिंग टू हिम इक्वल नंबर ऑफ दीज यूनिट्स, इक्वल नंबर ऑफ फैक्टर्स इनहेरिटेड फ्रॉम ईच पेरेंट डिटरमाइन द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग। उनके हिसाब से क्या था, उनके हिसाब से ये था कि पेरेंट्स से बच्चे के अंदर जो भी कैरेक्टरिस्टिक जा रहे हैं वो उस बच्चे के अंदर ऑब्जर्व होंगे ही होंगे, वो उस बच्चे के अंदर दिखेंगे ही दिखेंगे।
दिस वॉज द फर्स्ट कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ वट इज नाउ रेफर्ड टू एज पर्टिकुलेट इनहेरिटेंस. ये ऐसा फर्स्ट कंसेप्चुअलाइजेशन, मतलब एक कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, ऐसा एक फर्स्ट कॉन्सेप्ट था जिसके अंदर हमको पार्टिकुलेट इनहेरिटेंस दिखा था. पर्टिकुलेट इनहेरिटेंस क्या होता है मैं बताती हूँ आपको. पर्टिकुलेट इनहेरिटेंस बेसिकली होता है, पैटर्न होता है जो मेंडल ने डिस्कवर किया था. एक पैटर्न होता है जिसके अंदर फिनोटिपिक रेशियो, मतलब प्लांट की आउटर जो फिजिकल अपियरेंस होती है जनरेशन टू जनरेशन, वो हमको दिखती है. ठीक है, समझ आया? कैरेक्टरिस्टिक्स देमसेल्व्स आर नॉट इनहेरिटेड बट द पार्टिकल्स. अब कोई भी, जैसे कोई आदत है आपके पेरेंट्स की, कोई आदत है, वो सेम आदत हो सकता है आपकी भी हो, बट ऐसा नहीं होता ना कि वो पूरी की पूरी आदत ही आपके अंदर ट्रांसफर हो जाए, ऐसा नहीं होता. उसका कुछ एक पार्ट होता है जो आपके अंदर ट्रांसफर होता है, जिसकी वजह से आप वो चीज, सेम चीज करने लगते हो. द अपियरेंस ऑफ द कैरेक्टर इन द ऑफस्प्रिंग इज डिटरमाइंड बाय द पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स. जो कैरेक्टर्स का अपियरेंस होता है बच्चे के अंदर, जो कैरेक्टर का अपियरेंस होता है वो एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन की वजह से होता है, जो कि एक पेरेंट से नहीं आता, जो कि दो पेरेंट से आता है. अब आपके जो भी दोनों पेरेंट्स होंगे उनकी कुछ आदतें आपसे सिमिलर होंगी, तो वो दोनों की वजह से आई हैं, एक की वजह से कभी नहीं आ सकती वो. दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ अ जीन. ये कॉन्सेप्ट जीन की बिगिनिंग थी. इससे पता लगता है कि यहाँ से हमारा जो ट्रेट हमारे अंदर आ रहा है वो किस वजह से, हमारे जीन की वजह से आ रहा है. विच इज मॉडर्न टर्म ऑफ द हेरिडिटरी यूनिट्स और पार्टिकल्स, ओरिजिनल डिस्क्राइब बाय मेंडल. मेंडल ने क्या प्रपोज किया था, ये समझ आया सबको? कोई डाउट तो नहीं है? कुछ डाउट है तो अभी पूछ लो. ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं. मेंडल्स वर्क वॉज नॉट अप्रिशिएटेड. सबसे पहले अब हमें देख, हम पता ही है, अगर हम कोई काम करते हैं तो उसमें एक ना एक बार तो हमें फेलियर मिलती ही है. उसी तरह मेंडल के साथ भी हुआ था. मेंडल्स वर्क वॉज नॉट अप्रिशिएटेड बाय द रेस्ट ऑफ द साइंटिफिक कम्युनिटी अंटिल 1900. उनको 1900 तक, उन्होंने काम कब करना शुरू किया था, कौन से ईयर में? अभी मैंने बताया था आपको, कोई बताएगा कौन से ईयर में शुरू किया था उन्होंने? मैम 8060 में 1866 में, ये रहा 1866 में. ओके, उन्होंने 1866 में काम करना शुरू किया था और 1900 तक उनको किसी भी साइंटिफिक कम्युनिटी ने अप्रिशिएट नहीं किया था. उन्होंने, उनकी काम में हर कोई गलतियां ही निकाल रहा था. उसके बाद तीन बॉटनिस्ट आए थे. बॉटनिस्ट क्या होते हैं? बॉटनिस्ट होते हैं जो प्लांट्स पे काम करते हैं, बॉटनी वाले लोग जो प्लांट्स के ऊपर वर्क करते हैं उनको हम बोलते हैं बॉटनिस्ट. जब तीन बॉटनिस्ट, कौन कौन? कार्ल कॉरेंस, ह्यूगो डिवेरीज और एरिक वॉन शर्मक, ये तीन आए थे जब लोग. ये तीन लोग जब मेंडल के साथ आए थे, इन्होंने मेंडल का वर्क को रीडिस्कवर किया, इन्होंने मेंडल के काम को दोबारा से पढ़ना शुरू किया, उनके काम को हर एक ने इंडिपेंडेंटली रिसर्च किया और उसके बाद वो एक कंक्लूजन पे पहुंचे. उन्होंने देखा कि मेंडल की रिपोर्ट जो थी वो सारी लिटरेचर से रिलेटेड तो है, उन्होंने साइट, अपने पब्लिकेशन साइट सब कर रखे हैं, उनकी रिपोर्ट सब ठीक है. ओके, तो उन्होंने क्या किया, विलियम बेटसन एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, उसको देखते हुए उन्होंने टर्म निकाल दी जेनेटिक्स. अब उनको काम तो पूरा समझ आ गया था मेंडल का, बट उनको ये कंफ्यूजन थी कि इसको नेम क्या करें. इस मेंडल ने कोई नेम नहीं दिया था, इसी वजह से उनको किसी ने अभी तक अप्रिशिएट, 1900 तक अप्रिशिएट नहीं किया था. तो उन तीन साइंटिस्ट जो मेंडल के साथ जुड़े थे, उन तीन साइंटिस्ट ने एक इंग्लिश साइंटिस्ट के नाम पे इसको टर्म दिया जेनेटिक्स. 1905 में जेनेटिक्स हमारे पास साइंस के अंदर ऐड हो गई थी. ओके, द टर्म वॉज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड विच मीन्स टू जेनरेट. जेनेटिक्स का मतलब होता है जेनरेट, कोई भी चीज बनाना. मैनी कंसिडर्ड बेटसन एज द रियल फाउंडर ऑफ जेनेटिक्स एज ही वॉज द फर्स्ट टू हैव मेंडल्स पेपर ट्रांसलेटेड इन टू इंग्लिश. मेंडल के जो लॉ है, मेंडल का पूरा स्टडी है, हर कोई ये मानता है कि मेंडल की स्टडी का जो असली, जो रियल उसका ओनर है, जो मेंडल की स्टडी का रियल जिसने बनाई थी, वो बेटसन है, बट एक्चुअल में वो मेंडल है.
बेटसन ने उनकी स्टडी को सिर्फ इंग्लिश में ट्रांसफर किया था और मेंडल की थ्योरी को एप्लीकेबल किया था एनिमल्स पे. ओके क्लियर है. ये है मेंडल जिन्होंने पूरी स्टडी की थी. ग्रेगर जोहान मेंडल, इनका पूरा नेम है ग्रेगर जोहान मेंडल. ये फादर ऑफ, इनको साइंस बोलते हैं हम, मॉडर्न फादर ऑफ साइंस ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, या इनको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोल सकते हैं. ओके ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना नेम. हर कोई पूछ सकता है कि किसने, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ग्रीगर जोहान मेंडल. अब उसके बाद हमने पढ़ लिया मेंडल ग्रोथ जेनेटिक्स आई कैसे. उसके बाद हम देखेंगे कि जेनेटिक्स की ग्रोथ कैसे हो गई. अब एक चीज हमारे पास एनवायरमेंट में, साइंस में आ गई है, अब उसकी ग्रोथ होनी भी तो बाकी है ना. अब वो ग्रोथ कैसे हुई? फ्रॉम मेंडल टू जेनेटिक इंजीनियरिंग. जेनेटिक हैज कम अ लॉन्ग वे एंड एट प्रेजेंट इज अ मेच्योर एंड डायनामिक साइंस. जेनेटिक्स आज के टाइम में बहुत ज्यादा ग्रो कर चुकी है, बहुत ही बड़ी एक साइंस की टर्म बन चुकी है जेनेटिक्स. द साइंस ऑफ जेनेटिक्स वॉज बिल्ट ऑन द फाउंडेशन लेड बाय मेंडल. जेनेटिक्स स्टार्ट तो मेंडल की वजह से ही हुई थी, मेंडल ने ही सारा स्टार्ट किया था, बट इट ओज इट्स प्रेजेंट स्टेचर टू द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ साइंटिस्ट. इन फैक्ट द हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ जेनेटिक्स इज द सब्जेक्ट स्टडी ऑफ वर्थ ऑफ स्टडी. जेनेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में. हमारी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी जेनेटिक्स हमें बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल करती है, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होती है. अब आगे इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? यू विल बी स्टडिंग अबाउट द इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस रिसर्चर्स इन डिफरेंट यूनिट. अब आगे जो जो मेंडल के साथ जो जो रिसर्चर्स आए हैं उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है इस पूरे के पूरे मेंडल की जर्नी में, वो हम सारा आगे स्टडी करने वाले हैं. ओके ये मॉनेटरी गार्डन है जहाँ पे, ये पी गार्डन है जहाँ पे मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था. ये गार्डन है वो पूरा, मॉनेस्ट्री गार्डन. किसी को डाउट है कोई यहाँ तक? क्लियर है अभी तक? ओके ठीक है. क्लियर अभी ओके ये मेंडल का पूरा जेनेटिक का टाइमलाइन है कि किस तरह मेंडल ने पूरी स्टडी करी थी और किस तरह उसका सारा का सारा चीज पब्लिश हुई थी. 1865 में मेंडल ने अपना पेपर जो है वो रीड किया था ब्रोन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री को. उसके बाद 1866 में उसका पेपर पब्लिश हुआ था. उसके बाद 1868 में डीएनए की स्टडी करी गई थी, क्योंकि मेंडल ने अगर जेनेटिक निकाला तो जेनेटिक किस वजह से आया, जीन्स किस वजह से आए? हमारे डीएनए की वजह से आए, तो इसलिए उसकी स्टडी की गई थी. उसके बाद 1900 में तीन साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने मेंडल के वर्क को डिस्कवर किया था. 1902 में बोवरी एंड सिटोन, ये दो साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने पेयर्ड क्रोमोसोम्स की प्रेजेंस को शो किया था डिप्लॉयड स्पीशीज में. दो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं आपको बताती हूँ. क्रोमोसोम्स बेसिकली एक स्ट्रक्चर होता है एक्स शेप का, ऐसी शेप का स्ट्रक्चर होता है क्रोमोसोम. पेयर्ड क्रोमोसोम ऐसी शेप का स्ट्रक्चर होता है जो कि ह्यूमंस के अंदर डीएनए के अंदर प्रेजेंट होता है. इसी की वजह से, इन क्रोमोसोम्स की वजह से ही हमारे पास जो जीन्स ट्रांसफर होते हैं वो इन्हीं क्रोमोसोम्स की वजह से ही होते हैं. ओके 1905 में बेटसन आए थे, इन्होंने जीन्स को एक साइंटिफिक टर्म दी थी जिसको हम जेनेटिक्स कहते हैं. उसके बाद 1908 में हार्डी एंड वेनबर्ग नाम के दो साइंटिस्ट आए थे, इन्होंने हार्डी वेनबर्ग लॉ बनाया था जिसके अंदर जीनोटिपिक फ्रिक्वेंसी और जीन फ्रिक्वेंसीज इनके बारे में रैंडमली पता लगा था हमें. ओके नेक्स्ट, ये आगे 1909 में जॉनसन जिन्होंने जीन टर्म को इंट्रोड्यूस किया था. 1909 में बुक आई थी इन्हीं के नाम पे, मॉर्गन ने. उसके बाद व्हाइट ड्रोसोफिला, उसके अभी तक तो ये सारा काम हो रहा था पी प्लांट पे. उसके बाद ये फ्लावर्स पे आने लगा. फ्लावर्स में जिसने ड्रोसोफिला मेलानोजेस्टर सबसे पहला प्लांट है, मॉर्गन ने इसके ऊपर काम किया था. मॉर्गन को इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था 1933 में. उसके बाद मॉर्गन ने ही क्रोमोसोम बेसिस ऑफ लिंकेज टर्म को पोस्टुलेट किया, उसे डिराइव किया है. चर्विटेंट नाम का साइंटिस्ट आया था, उन्होंने जीन मैप का कंस्ट्रक्शन किया. मिलर ने उसके बाद रिपोर्ट किया था सीआईबी को, टेक्निक को सारा, एक्सरेज, म्यूटोजेनिक सब चीजें उन्होंने की थी. उनको भी नोबेल प्राइज मिला था 1946 में. लास्ट हमारे पास थे ग्रिफिथ, उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन की डिस्कवरी की थी जिसमें उन्होंने डिप्लोकोकस निमोनी वायरस होता है उसकी उन्होंने स्टडी की थी.
ये सारे साइंटिस्ट के बारे में ही आपको सब सब चीजें उन्हीं के बारे में दे रखी है, ये आप लोग रीड आउट कर लेना। ओके 2009 तक सारा है अपडेटेड अभी तक। उसके बाद प्रेजेंटली न्यू इंफॉर्मेशन इज अक्यूमुलेटिंग एट एन अनप्रेसिडेंट रेट। मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन वर मेड बिटवीन 1970s एंड 1990s। अब 1970s से 1990s के बीच में सारा का सारा कॉन्ट्रीब्यूशन वहीं पे स्टार्ट हुआ था, क्योंकि तब ही टर्म जीन आई थी, जेनेटिक्स भी आई थी, मेंडल के लॉ भी आए थे, सारा का सारा काम तभी हुआ था। द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स आर गोइंग टू बी एक्साइटिंग एज मेनी साइंटिस्ट आर वर्किंग आउट डिटेल्स ऑफ द मॉलिक्यूल। अब आने वाले कुछ साल हमें इसी तरीके से ही पता लगता रहेगा कि साइंटिस्ट ने क्या चीजें, किस तरह के फिनोमेना, क्या क्या चीजें वो डेवलप कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद सम बेसिक जेनेटिक टर्मिनोलॉजी। अब हम पढ़ रहे हैं जेनेटिक के बारे में, अब हमें जेनेटिक के बारे में पता भी होना चाहिए कि उसके अंदर क्या क्या टर्म्स प्रेजेंट हैं। बिफोर वी मूव ऑन टू डिस्कस मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, हमें मेंडल के एक्सपेरिमेंट पे जाने से पहले हमें सबसे पहले उनकी टर्म्स पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी टर्म मेंडल के एक्सपेरिमेंट के अंदर हैं। सबसे पहली टर्म है हमारी जीन। यू हैव स्टडी दैट मेंडल प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ हेरिडिटरी यूनिट्स। अभी हमने पढ़ा भी था थोड़े टाइम पहले कि मेंडल ने एक कॉन्सेप्ट अपना निकाला, प्रपोज किया, जिसके अंदर हेरिडिटरी यूनिट्स क्या होती हैं, एक ऐसी यूनिट जो बच्चों से पेरेंट्स से बच्चों के अंदर आती है, ऐसी यूनिट उसको हम बोलते हैं हेरिडिटरी यूनिट। उन यूनिट्स का नाम दे रखा है जीन। क्लियर? कौन बताएगा जीन क्या होता है? राधा, अनिशा, वैभव, कौन बताएगा? अभी बताया मैंने जीन क्या होता है। ओके नोमन, जीन होता है बेसिकली हेरिडिटरी यूनिट्स, ऐसी यूनिट जिसकी वजह से, पेरेंट्स की वजह से हमारे अंदर कोई भी कैरेक्टर आता है उसको हम बोलते हैं हेरिडिटरी यूनिट, उसका नाम हमने दिया है जीन। समझ आया? यस मैम। ओके। अब जीन्स के अंदर क्या क्या आ सकता है? जीन्स के अंदर कलर आ सकता है, शेप आ सकता है, हाइट आ सकता है। अब हम ह्यूमंस का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। अब हमारे हम हैं हम अपना एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एज अ स्टूडेंट हम अपना एग्जाम्पल लेते हैं कि हम अपने पेरेंट्स के हम चिल्ड्रन हैं, हमारे पेरेंट की एक की हाइट बहुत ज्यादा लंबी है, एक की हाइट छोटी है। अब हमारी हाइट डिपेंड करेगी हमारे पेरेंट्स की हाइट पे, या तो हमारी हाइट लंबी होगी, अगर फादर की हाइट लंबी है तो हमारी हाइट लंबी भी हो सकती है, और अगर मदर की हाइट छोटी है तो हमारी हाइट छोटी भी हो सकती है। ये सारा का सारा हमारे पेरेंट्स के जीन पे डिपेंड करता है, वही जीन हमारे अंदर भी ट्रांसफर होते हैं। उसी तरह से कलर हो गया, शेप हो गया, हाइट हो गई प्लांट्स में, ये अलग अलग जीन्स कंट्रोल करते हैं। ओके यस मैम। अब उसके साथ आता है अलील। अलील क्या होता है? द इनहेरिटेंस ऑफ एनी कैरेक्टर कैन बी स्टडीड ओनली व्हेन देयर आर टू कंट्रास्टिंग कंडीशंस। कोई भी कैरेक्टर की इनहेरिटेंस, हमें कैसे पता लगेगा कि ये कैरेक्टर की पुरानी जो जीन थी वो ट्रांसफर हुई है, वो कैसे पता लगेगा? एक एक्सपेरिमेंट से पता लगेगा, येलो वर्सेस ग्रीन सीड कलर। ठीक है, मेंडल के एक्सपेरिमेंट में शो हुआ था, उसने जो मटर के दाने के साथ एक्सपेरिमेंट किया था, मटर के साथ, उसके अंदर शो हुआ था नॉर्मल पिगमेंटेशन वर्सेस। अब कोई भी तरह, किसी भी तरह के ऑर्गेनिज्म से, जैसे अब हमारा कलर देख लो, अब ह्यूमंस का है, ह्यूमंस के अंदर कलर्स होते हैं, किसी का कलर डार्क होता है, किसी का कलर व्हाइटिश होता है, किसी का कलर ब्राउन होता है, किसी अलग अलग कलर्स होते हैं ना, वो पेरेंट्स की जीन्स की वजह से हमारे अंदर कलर्स आते हैं। ठीक है। अब एनिमल्स के अंदर है, जैसे गिनीपिग है, गिनीपिग में अंदर क्या होता है, गिनीपिग का कलर होता है, उसका कोट फर का ब्लैक हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, गोल्डन हो सकता है, वो उस गिनीपिग के पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। ओके। एन इंडिविजुअल एक्सप्रेस वन और द अदर बट नॉट बोथ कंट्रास्टिंग कंडीशंस एट द सेम टाइम। अब आपके पेरेंट्स में से, अब आपकी एक पेरेंट की हाइट टॉल है, एक पेरेंट की हाइट स्मॉल है, तो आपके अंदर किसी एक ही पेरेंट का कैरेक्टर आएगा, दोनों पेरेंट के कैरेक्टर आपके अंदर नहीं आ सकते हैं। ओके। जीन्स दैट गो ऑन वेरिएशंस ऑफ द सेम कैरेक्टर्स एंड दैट ऑक्यूपाई कॉरेस्पॉन्डिंग लोकाई ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर टर्म्ड अलील्स।
ऐसे जीन्स जो कि सेम कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं और कॉरेस्पॉन्डिंग लोकाई पे होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के कॉरेस्पॉन्डिंग लोकाई पे होते हैं, उनको हम टर्म देते हैं अलील। रुको मैं आपको क्लियरली बताती हूँ एक फिगर ड्रॉ करके। ये हमारे पास क्रोमोसोम है, इसका जो लोकाई, इसका जो सेंटर पॉइंट होता है उसके ऊपर कोई भी अगर जीन प्रेजेंट होगा जो उसको वर्क कर रहा है पूरा, उसको हम अलील बोलते हैं। ओके समझ आया? मैम एक बार दोबारा से समझाना प्लीज। अलील को दोबारा से समझाऊं? यस मैम। ओके एक मिनट। अलील बेसिकली क्या होता है? अलील होता है दो या दो से ज्यादा जीन्स जो कि सेम प्लेस पे मिलते हैं क्रोमोसोम पे। ये क्रोमोसोम बनाया मैंने, यहाँ पे कोई जीन प्रेजेंट है, ये जो डॉट्स हैं ये जीन्स प्रेजेंट है यहाँ पे सपोज। ओके ये जीन्स है, इनको हम दो या दो से ज्यादा जीन्स अगर ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम अलील बोलते हैं। जो कि ये सारे जीन्स मिलके किसी बॉडी के अंदर जाएंगे इनको हम अलील बोलते हैं। समझ आया? यस मैम। मैम क्लियर है ना? इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है हमारी बॉडी के अंदर जो जितने भी कैरेक्टर्स हैं, अभी तो मैंने बताया था ना जीन्स हमारी बॉडी के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके जाते हैं। मैम डिफरेंस क्या हो गया? मतलब ग्रुप को एलिस कहते हैं, जीन्स के ग्रुप को एलिस कहते हैं। हाँ जीन्स के ग्रुप को अलील बोलते हैं। ओके मैम। ओके यस मैम। इनका बेसिकली फंक्शन यही होता है, ये ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ में ही, ऑर्गेनिजम्स के अंदर किस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स जा रहे हैं उसी को ही कंट्रीब्यूट करता है, उसी के अंदर ही उसकी अपीयरेंस पे बेसिकली। ठीक है? यस मैम। मैम ये पता कैसे लगेगा, ये पुराने जीन्स गए हैं पूर्वज ये से हमें या? अभी हम मेंडल का एक्सपेरिमेंट जब स्टडी करेंगे तो उससे हमें पता लगेगा कि कैसे कैसे जीन्स ट्रांसफर होते हैं, बिना मेंडल का एक्सपेरिमेंट स्टडी किए हमें नहीं पता लग सकता। ठीक है? अभी हम आगे वो स्टडी करेंगे। उसके बाद जेनेटिसिस्ट यूज द टर्म अलील टू एम्फसाइज जेनेटिस यू टू एम्फसाइज दैट देर आर टू और मोर ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन दैट कैन अकर एट कॉरेस्पॉन्डिंग स्पेसिफिक लोकाई। ये देखो ये रही इसकी डेफिनेशन। जेनेटिक्स यूज द जेनेटिक्स यूज द टर्म अलील टू एम्फसाइज, उन्होंने ये दिखाना था कि दो या दो से ज्यादा जो जीन्स होते हैं वो एक ही साथ एक ही लोकाई पे प्रेजेंट होते हैं जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स बनाने में हेल्प करते हैं। जो अभी मैंने पीछे समझाया था ड्रॉ करके वही यस मैम। चीज है। ओके यस मैम। द पॉसिबल वेरियंट ऑफ अ जीन एट एनी गिवन लोकस आर नॉन एज अलील। कोई भी वेरियंट, किसी भी तरह का जीन जो एक एक एंड पे या एक आर्म पे बोल सकते हैं, एक ए आर एम आर्म बाजू बोलते हैं जिसको, एक आर्म पे प्रेजेंट होगा उसको हम अलील कहते हैं। ठीक है? एग्जाम्पल दे रखा है जैसे वी शैल कंसीडर द ट्रेट हाइट ऑफ द पी, हाइट ऑफ पी प्लांट। अब इसमें कैरेक्टर्स, हाइट ऑफ पी प्लांट को हम टी, टॉल वाले को हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं और शॉर्ट वाले को हम स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। ये देखो ये तो हमारा हो गया कैपिटल टी, ये हमारा हो गया स्मॉल टी, ये तो हमारा है टॉल और ये हमारा है शॉर्ट। ये अलील्स की वजह से होता है। ठीक है? ये दो अलील्स हैं एक साथ। ठीक है? ये दो अलील्स एक साथ हैं। वैसे सिंगली इनको देखा जाए तो ये जीन्स हैं ये दोनों, और अगर इनको कंबाइन देखेंगे तो ये अलील्स हैं। समझ आया? यस मैम। अलीज मैम दोनों को मिला के? ठीक हाँ दोनों को मिला के अलील बनता है। ओके। ओके अब इनका आगे हम क्रॉसिंग करेंगे, आगे मेंडल्स के लॉ में इनकी क्रॉसिंग पढ़ेंगे, उसकी वजह से ही आगे जो ऑफस्प्रिंग आता है उसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड होते हैं। ठीक है? इट इज कस्टमरी टू इंडिकेट अ डोमिनेंट अलील। अब ये दो अलील मैंने बताए थे जिसके अंदर ये टी एक कैपिटल आ गया और एक स्मॉल आ गया। अब हमें नहीं पता कि प्लांट के अंदर कौन सा जीन आएगा। अब ह्यूमंस का एग्जांपल लेते हैं। अब कोई भी बेबी होता है तो हमें पहले बर्थ से पहले नहीं पता होता कि वो बॉय होगा कि गर्ल होगा, क्योंकि वो डिपेंड हमारे पे नहीं करता, वो सीधा बच्चे के जीन्स पे डिपेंड करता है कि वो क्या ऑलरेडी लेके आ रहा है, पेरेंट्स पे डिपेंड करता है, पेरेंट्स के क्रोमोसोम पे कि वो बॉय होगा कि गर्ल होगा। ओके उसी तरीके से प्लांट्स में होता है। प्लांट्स में शॉर्ट या लॉन्ग डोमिनेंट कौन सा
बच्चा होगा, जो भी डोमिनेंट होगा उसको हम कैपिटल से लिखेंगे और जो रिसेसिव होगा उसको हम स्मॉल से लिखेंगे। ठीक है, समझ आया? यस मैम। द चॉइस ऑफ द लेटर्स और लेटर देमसेल्व इज जनरली डिटरमाइंड बाय द फर्स्ट एलिलिक वेरियंट। जो हम लेटर की चॉइस ले रहे हैं, जैसे टी टी ले लिया हमने, ये क्यों लिया? टॉल कैपिटल था तो हमने कैपिटल का फर्स्ट वर्ड, टॉल का फर्स्ट वर्ड टी ले लिया। अब हम शॉर्ट नहीं कर सकते इसको, अब हम इसको स्मॉल टी ही कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हम। ओके, हमें इसको स्मॉल टी ही रखना पड़ेगा। ये होगा डोमिनेंट, जो डोमिनेट करेगा, जो अपनी कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा, और ये होगा रिसेसिव, जो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को दबा लेगा। ठीक है, समझ आया? यस मैम। मेंडल स्टडी दैट अलील दैट गोवर्न सीड कलर येलो वर्सेस ग्रीन। अब हमारे पास दो सीड्स हैं, एक का कलर है येलो और एक का कलर है ग्रीन। तो हम इनको, अगर हमने सबसे पहले देखा येलो, तो हम इसको वाई से डिनोट करेंगे। तो इसको हम ग्रीन वाले को किससे डिनोट करेंगे? जी इसको हम जी से डिनोट नहीं करेंगे, इसको हम स्मॉल वाई से डिनोट करेंगे। यस हम मैम। इसको जी से डिनोट नहीं कर सकते हमें, क्योंकि दोनों सेम चाहिए होता है। तो एक को हम कैपिटल से डिनोट करते हैं और एक को हम स्मॉल से डिनोट करते हैं। ठीक है, यस मैम। बिकॉज ऑफ द डिस्कवरी ऑफ येलो अलील मेड इंडिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द लोकस पॉसिबल, वी कॉमनली रेफर टू द लोकस एज द येलो लोकस, ऑल्दो पी सीड्स आर मोस्ट कॉमनली ग्रीन। हम येलो एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं कि उस पे, लोकस पे येलो एक प्रेजेंट हो सकता है। कई बार हमने देखा कि पी जो है वो ड्राई हो जाता है, मटर जो सूख जाता है तो वो येलो कलर में हो जाता है ना, तो ये वो उसमें है। अगर हम, हमें यूजुअली पता ही है मटर ऑलरेडी ग्रीन होता है, बट यहाँ पे हम लोकस पे हम लेके चल सकते हैं कि वो येलो भी हो सकता है अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, मेंडल ने जैसा स्टडी किया था। ओके, कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई डाउट? नो मैम। ओके, द टर्म लोकस इज यूज टू डेजिग्नेट नॉट ओनली वन लोकेशन ऑन अ क्रोमोजोम बट ऑल्सो अ काइंड ऑफ जेनेरिक जीन। अब ये क्रोमोजोम बनाया था ना मैंने, मैं दोबारा बनाती हूँ, रुको। ये क्रोमोजोम बनाया, अब यहाँ लोकस प्रेजेंट है, ये लोकस प्रेजेंट है, इस पे डॉट लगा रही हूँ ना, ये लोकस हो गए, लोकेशंस है। लोकस का मतलब सिर्फ लोकेशंस ही नहीं है, इसका ये भी मतलब है कि जेनेरिक जीन है जो कि एक टाइप के कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, जैसे कि येलो फॉर वाई फॉर येलो एंड स्मॉल वाई फॉर ग्रीन। समझ आया? यस मैम। टू प्रिवेंट कंफ्यूजन द डोमिनेंट एलील इज ऑलवेज डेजिग्नेटेड फर्स्ट। हमें किसी भी तरह की कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, जो सबसे ज्यादा डोमिनेंट होता है, जो अपने कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा शो करता है, उसको हम सबसे पहले लिखते हैं, और जो कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं करता उसको हम बाद में लिखते हैं। ठीक है, हम हमेशा वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई की टर्म में लिखेंगे, कभी भी हम स्मॉल वाई कैपिटल वाई की टर्म में नहीं लिखेंगे। क्लियर? जेनेटिसिस्ट यूज द टर्म जीन समटाइम टू स्पेसिफाई अ लोकस, वही सेम चीज है सब। ओके, जो भी मैंने आपको क्लियर किया। ये देखो, अब ये पूरा हमें डायग्राम के हेल्प से बता रखा है। ईच डिप्लॉयड सेल्स हैज, डिप्लॉयड सेल्स क्या होते हैं, जिनके पास दो दो तरह के क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, वो होते हैं हमारे डिप्लॉयड सेल्स। मेंबर्स ऑफ वन सेट कैन बी पेयर्ड विद मेंबर्स ऑफ द अदर सेट, द मेंबर्स ऑफ अ गिवन पेयर आर कॉरेस्पोंडेंट्स इन शेप। अब हमारे पास देखो, ये क्रोमोसोम बना रखे हैं दो, ये वाले दो क्रोमोसोम्स हैं हमारे पास, इनके पास ये लोकेशंस हैं, अलग अलग लोकेशन से हमें एरो दे रखा है। ये हमारे जीन की लोकाई होते हैं, यानी कि जीन की लोकेशंस है कि हमारे पास यहाँ यहाँ पे जीन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये अगला दे रखा है, दीज जीन्स आर अलील, ये जो जीन्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं इनको कंबाइनली हम बोलते हैं अलील। अगर एक इस लोकेशन पे है और एक इस लोकेशन पे है, ये दोनों अलील नहीं हो सकते क्योंकि उनकी लोकेशन डिफरेंट है। समझ आया? यस मैम। सेम लोकेशन पे होंगे तो हम उनको क्या कहेंगे? अलील। ओके, जीन फॉर कलर ऑफ फर ब्लैक, जीन फॉर कलर ऑफ फर ब्राउन। अब दो जीन्स है हमारे पास, एक में यहाँ पे क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, ये जीन है हमारे ब्लैक फर का, ये जीन है हमारे ब्राउन फर का।
ठीक है, और दूसरी लोकेशन पे हमारे जीन्स प्रेजेंट हैं आई कलर के, आई कलर ब्राउन और आई कलर ब्लू के। अब इनमें से एक डोमिनेंट होगा और एक रिसेसिव होगा, हमें नहीं पता ये कौन सा डोमिनेंट होगा कौन सा रिसेसिव होगा। ये हम जब फर्क क्या एक्सपेरिमेंट, होता है? क्या पर मीन्स फर, एनिमल्स होते हैं, डॉग्स होते हैं ना, डॉग्स के ऊपर जो हेयर होते हैं उनको फर बोलते हैं, कैट के हेयर को फर बोलते हैं, ठीक है। ओके फर कलर मतलब उनके हेयर का कलर एनिमल्स में होता है फर। ओके ओके मैम, समझ आया इतना। यस मैम। मैम ये लास्ट वाला क्या था? जीन्स फॉर आई जी कलर, आंखों के कलर के लिए, किसी का कलर ब्राउन होता है, किसी का ब्लू होता है, किसी का ब्लैक होता है, तो ये अलीलिक जीन्स होते हैं जो सेम लोकेशन पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ओके मैम, बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी फिर हम लोग कल से स्टार्ट करते हैं। क्लियर है सभी को इतना? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? नो मैम। बाकी सबको, अनीशा, राधा, कोई डाउट? नहीं है, ओके, नो तो कल मैम।